जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्रादिक रख दिया जलाशय, फिर अपने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में है, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं बगरा कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से दो चार आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने कुल के अंतर का जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि चार अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष और चमत्कारी सा उपाय बताए हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चतुर्थी के दिन इस विशेष उपाय को अवश्य करिएगा। चतुर्थी का जो व्रत होता है, माताएं अपने संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। जब शाम का समय होता है, चंद्र उदय होता है, तो पूजन करके देके सभी माताएं अपने व्रत को खोलती हैं। दर्शकों, इस दिन आप जब पूजन करें तो वहां पे चौमुखी दीप आप जरूर प्रज्वलित करिएगा। चौमुखी दिए का बड़ा विशेष महत्व होता है और एक दिया आप सिंगल बाती का, एक गोल बाती का लगाइएगा, जो आपको गणेश जी की आरती करने के लिए बनानी है। चौमुखी दिए से आपको चंद्र देव का पूजन करना है और जो आप गोल बाती का दिया बनाए हैं उससे आपको गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की कथा पढ़े, विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से आपके पुत्र की संतान की लंबी आयु होती है और घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।